वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्त बिंदावन मनोहर वाचा कल्पतरुवश कृपा सिंधु व्यवश पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव बिंदा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्वे नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी भद्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवनमविष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंजनतम शरण्यम भीतातिहम वनोदपाल भवद्विबोधम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पाद पल्लव नख चंद मणि छटाय विस्फुरीजित किमपि गोपवधूस्वदर्श पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिकामी कदा किमां करिष्ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदत् संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर गोपालो वंदे जगत प्रिय करु करुणाभुतारु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावान रूपेण सदा नरानं गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवी त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगं मदक्षये लोकस्वजानत विद्यांश्चक्र सत्त संहितं यस्यां वै श्रूयमानाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहो भयापह अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगं मदक्षये लोकस्य जानत विद्यांश्चक्रे सत्त्वतो संहितं यस्यां वै श्रूयमानाय कृष्णे परम पुरुष भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहो भयापह गौरी गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु टोल भक्ति आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है। भक्ति आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है। गौरी गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जगतगुरु जी ने बताए भक्ति आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन ये बद्ध अवस्था में दिखाई नहीं पड़ता। याद है पहले चर्चा किया था ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, इसका बारे में जीव तत्वों का जो चर्चा हुआ था उसमें भी चर्चा हुआ था। फिर भी ब्रह्मांड भ्रमित क्रम भाग कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, जिसका बारे में चैतन्य चरितमृत में बोला गया। आज विशेष करके आज गुरु पूर्णिमा है, थोड़ा इसका चर्चा होनी चाहिए। चैतन्य चरितमृत में बताया गया जो साधु संग सर्वशास्त्र को आए लवमात्र तो साधु संग सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि है मतलब कृष्ण प्रेम जो सुदुर्लभ वस्तु है वो भी मिल सकता। सर्वसिद्धि साधु संघ के द्वारा भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है, यहाँ तक कि कृष्ण प्रेम तक प्राप्ति कर सकता। अब ये प्रश्न आता है साधु संघ तो सबसे ऊपर है ही है, जो गुरु जी आज जो समष्टि गुरु व्यष्टि गुरु का थोड़ा टच होनी चाहिए गीता का साथ साथ, ये जरूरी है। अलग करके तो चर्चा करने का कोई टाइम नहीं है। यहाँ बताया गया ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। अब ठीक है ब्रह्मांड भ्रमण करते करते भक्ति लता का बीच प्राप्ति होता है, लेकिन ये भक्ति लता बीच क्या है? ये क्या पूर्व सुकृति है? ये क्या पूर्व सुकृति है? कुछ भजनोन्नति सुकृति है कि क्या है? कौन सी चीज है? जीवों का सत्कर्म इसके लिए कारण है, क्या है? ये धीरे धीरे चर्चा करते करते समाधान ये होता है। भक्ति लता के बीच का मतलब है, शास्त्र में पहले बार पहले दिन भी बताया भवाप वर्ग भ्रमत हो जदा भवि जनस्य तरही अच्युत सत्समागम अच्युत सत्समागम सत्संगम जरही तदैव सद्गतौ परावर ईशे त्वी जातरति। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते ये जो संसार जब खयन्मुख होने लगने लग जाता है, क्षय नहीं हुआ है, क्षय होने का ओढ़ बढ़ रहा है, इस समय साधु संग होता है। आ साधु संग के द्वारा पता चलता है कि भक्ति नामक जो चीज है वो छोड़कर भगवान का सेवा छोड़कर बाकी जो हमारा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी है, ये सारे जो हमारा कर्तव्य कर्म है समाज धर्मों लोक धर्मों, ये एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने से सारे समाप्त हो जाता है। मतलब गुरु सेवा करने से सद्गुरु का सेवा करने से सारे समाधान है।
और कुछ चीज का जरूरी है नहीं। ये भक्ति लता बीच क्या है ये चर्चा करते करते अंतिम में ये सिद्धांत तो आया था जो गुरु वैष्णव की कृपा के द्वारा बद्ध जीवों का अंदर में जो अनादि बहिर्मुख भाव, ये जो अनादि बहिर्मुख भाव जो है, मतलब बहिर्मुख भाव मतलब काम है, ये जो बहिर्मुख भाव है, बहिर्मुख भाव मतलब काम है, सेंस एंजॉयमेंट करने का ख्वाहिश है अंदर में। और गुरु जी का कृपा से, गुरु वैष्णव का कृपा से यह बद्ध जीवों का अंदर में अपराकी जगत का सेवा करने के लिए एक भावना पैदा होता है। और जो बीज है, ये बीज क्या है ना, गुरु वैष्णव का अंदर में जो भगवान भगवान का सेवा करने का जो एकदम अंदर में जो भाव है, हर वक्त अनटायरिंग एफर्ट, हर वक्त चाहता है कि भगवान का सेवा करे, ये जो सेवा का जो भाव है, ये भाव जो है बद्ध जीव के अंदर में अगर ट्रांसलेटेड हो जाए, स्थापित हो जाए, तो ये बीज रूप पे रह जाता है। गुरु जी का अंदर में जो भगवान भगवत सेवा का वासना है, सेवा है, ये बीज रूप पे, बीज रूप के साधु संघ के द्वारा, हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा बीज रूप में जीवों का हृदय में रोपित हो जाता है। इसका साथ मेरा आज का जो चर्चा का विषय है क्षेत्रों क्षेत्रों को इसका तालुकात है, जब ही इसको उठाया इसका साथ तालुकात है क्षेत्रों क्षेत्रों को क्या चीज है कि क्षेत्रों में क्षेत्रों क्या है इसका बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ लो कि खेतों में जैसे बीज बोया जाए, जैसे खेतों में बीज बोया जाए और बीज बोने का साथ साथ ये जो किसान है या तो गार्डनर है, बगान का मालिक या बगीचे का मालिक या खेत का मालिक, इसका फर्ज बनता है खेतों का रखवारी करना, हर हालत में इसका कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई भेड़े गाधा या तो गोर गौ है नो बिजाड़ ये इसका अंदर में घुस जाए तो इसका पूरा बीज का तो खराब हो जाए। इसीलिए हर हालत में केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं तो ये जो बीज बयन किया है ये किसान का ये धर्म है, तो ये फर्ज बनता है चारों ओर से एक इन बैरियर दे दे, अर्थात एक बाउंड्री या तो बेम्बो का या तो कुछ चीज़ का ये बाउंड्री लगा दे, क्योंकि ये अगर बाउंड्री ना लगाया जाए तो कभी भी इसका अंदर में खेतों का अंदर में ये बिजार फिजार घुस जाए और उसको ऐसा बना दे खेती का कि तमाम सत्यानाश हो जाए। हमारा हृदय रूप जो खेत है इसका लिए भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। केशव गोस्वामी कह रहे हैं ये आम आदमी का धारणा नहीं है, वो सोचा आज गुरु पूर्णिमा है थोड़ा फूल चढ़ा दो गुरु जी का चरण में हो गया छुट्टी, और कम ज़्यादा से ज़्यादा परमान्न रसी कर दो या तो मार्केट से थोड़ा हैं मिठाई ला के रख दो बस हो गया गुरु पूजा। ये लोग जानते ही नहीं कैसे गुरु पूजा होता है, ये लोग का धारणा नहीं है कैसे गुरु पूजा, कैसे गुरु का आरती उतारा जाए, तो धारणा नहीं है, इसलिए सारे मर रहा है दुनिया, वह पूरे भजन का नाम में पूरा चल रहा है उल्टा रास्ते पे, क्या करे। गुरु जी ऐसे कृपा दिया, मंत्र दिया, सब कुछ दिया, बीज बोया है, बीज दे दिया और इन बीज को रख देखवारी करना मेरा फर्ज है, वो श्रवण कीर्तन जल करे और विधि निषेध रेस्ट्रिक्शन अपना ऊपर आरोप करना, अपने को विधि निषेध का जो विषय है उसका अंदर में ले जाना,
क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरा हर हालत में असत्संग बनते ही रहेगा। चाहे मैं 80 साल दीक्षा ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता, 80 साल दीक्षा लिया कि क्या हुआ, आपने तो ये व्यवस्था नहीं किया। कैसे असत्संग को स्टॉप किया जाए, असत्संगों से रिहा हो जाए, कैसे, इसका व्यवस्था तो आपने नहीं किया। बस आपने दीक्षा ले लिया, वो भी जोश में आकर, अरे लिखा लेना जरूरी है, चलो उधर ये गुरु ले, उसका हजारों शिष्य है, हमको भी दे देंगे। गुरु क्या चीज है, गुरु तत्व क्या है, कैसे दीक्षा लेनी चाहिए, कैसा स्थिति पे देखिए दीक्षा होनी चाहिए, भक्ति भक्तो भगवान, इसका विषय में कोई खुलासा नहीं, चर्चा हो कोई कुछ नहीं हो रहा है। एक इमोशन में आके, पहले भी बहुत बार चर्चा किया, इमोशन इज नॉट डिवोशन, अरे चल रहा है, कैसी भी हालत से चल रहा है, ऐसा कोई ध्यान नहीं है कि कैसे अपराध हो रहा है, कैसे कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जाए, इसका बारे में कोई ध्यान नहीं। आप बोलने तो बोलने के लिए तो बोल दे, अरे हैं बड़ा कॉन्शियसनेस हो गया पूरा दुनिया, ये दुनिया में बड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस फैल गया, आम आदमी खुशी में हिल रहा है, अरे दुनिया में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैल गया, आ बड़ो। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, अरे मूर्ख, कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको बोला नहीं जाता है, ये समझा ही नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मूवमेंट, मूर्ख, कॉमन सेंस नहीं है तो किससे किसने कॉन्शियसनेस कहां से आ जाएगा। ये प्रभुपाद का कहना है, मेरा कहना नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं, हमने अपना 40 साल का जो जिंदगी है, इसमें एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो सिंसियरली कृष्ण कॉन्शियस का बारे में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। 40 साल में एक भी बंदा मिला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुरु वर्ग सफल हुए, ये नहीं, इसका मतलब बाकी का जो इटर्नल पर्षद है, जो श्रीधर गोस्वामी महाराज आदि सब जो आया है, जो नित्य पर्षद, इसका बारे में नहीं, ये समझना चाहिए। बाकी नया प्रचार करने जाए तो नया नया आदमी को लाना है ना, तो इस बारे में प्रभुपाद जी कहे कि एक भी देखा नहीं जो कृष्ण कॉन्शियस में एक्चुअली इंटरेस्टेड है। आज जो भी हमारा पास आता है, 2-4 बंदा 2-10 बंदा जो हमारा पास आता है, वो हरि कथा हमारा पास सुनना नहीं चाहता। आई बात समझ में, इज नॉट इंटरेस्टेड टू हियरिंग हरि कथा फ्रॉम, हरि कथा सुनने में लगन नहीं है। हरि कथा में जो आसक्ति है, बिना हरि कथा में मर जाऊं, तब कथामृतम तप्त तो जीवनम कभी भी रीर्थम कलम सापहम, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ, भगवान का कथा में है। भगवान कहाँ है, भगवान का कथा में ही भगवान है। ये जो विषय है, तब कथामृतम तप्त तो जीवनम कवि रितम कलम सापहम, ये भगवान का कथा जो भगवान का बराबर है, इस विषय में किसी का ध्यान नहीं है। 2-4-10 बंदा मेरा पास आता है, हरि कथा सुनने में लगन नहीं है। अब वो लोग अपना जो एडुकेशन है, अपना जो विवेक विचार है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, इसका ऊपर बलो भरोसा रखना चाहता है। ये चाहता नहीं, ये हमारा मेटेरियल एडुकेशन है, फलाना है, ये सब जो हमारा विचार बुद्धि है, लॉजिक है, बहुत ये सब विषय में ये लोग आस्था रखने वाले, इस चीज़ों का ऊपर इसका आस्था, ये लोग का आस्था रखने वाले ये सब चीज़ों के ऊपर। और जब तक इस चीज़ों पर आस्था रखे, गुरुकरण अर्थात गुरुचरण में आत्मनिवेदन हो नहीं सकता, क्योंकि भक्त में ठाकुर ने कितन बताए, कितने क्या बताया, आत्मनिवेदन तुआ परे
तुआ पाए कोरी होइन परम सुखी आत्मो निवेदन तुआ पदे कोरी होइन परम सुखी दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो चौधरी के आनंद हेरी। इसका नाम दीक्षा भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया। जब गुरुचरण में सब दे दिया तन मन धन गुरुपद अर्पण सदा हरि नाम रटन ये जब सिद्ध हो जाए तो चारों ओर आनंद ही आनंद छाएगा क्योंकि टेंशन नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आनंद ही आनंद। हमारा अप्राकृत आनंद में रुकावट क्या है कि हमारा जो चाहत है कामना वासना सब कुछ है ये हमारा भजन के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट है। प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया में तमाम आदमी पॉपुलैरिटी चाहता है। कोई अगर गुरु सेवा भी करे, प्रभुपाद का सेवा करे, गोड़ी मटी कुछ भी करे, हमने किया है ठीक है किया है, ये पॉपुलैरिटी चाहता है। और कोई आदमी अगर गुरु सेवा वैष्णव सेवा किया है उसका बदले में पेंशन मांगता है, जैसे जैसे सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है ना, वो पेंशन चाहता है। भले हमने सेवा किया, हाँ हाँ ठीक किया, अब पेंशन ले लो, गुरु वैष्णव पेंशन दे देते। वो बात कहते हैं दुनिया में हर आदमी पॉपुलैरिटी चाहता है। ये लोग का अंदर में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो तत्व जिज्ञासा, ये जो वेदांत का है भागवत का है, ये जो सेल्फ इंक्वायरी ऑनेस्ट इंक्वायरी तत्व जिज्ञासा जीवोस्व तत्व जिज्ञासा जीवोस्व आत्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सारे एक है। और जिस सनातन गोसाई का आविर्भाव तिथि है तीर्भाव तिथि है उन सनातन ऋषि सनातन गोस्वाईपाद भगवान का नित्य पार्षद होते हुए भी ये प्रश्न किया था ना महाप्रभु के सामने के आमी कहने मोरे जारे था पत्रोय यहाँ नहीं जानी कोई छे मोरी था, यही तो बताया था ना हैं? मैं कौन हूं किसी लिए त्रिजगत ए जगत का जो ए गुनावली त्रिजगत का जो गुनावली सत्रह जो तमगुण मेरे को सता रहा है कष्ट दुख सता रहा है किस लिए। तो बात कहते हैं किसी का अंदर में सेल्फ इंक्वायरी नहीं है अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बड़ा दुख की बात है। और जो लोग भी हम स्पिरिचुअल प्रीचर है, बहुत दिन हो गया महाराज 50 साल हो गया दीक्षा लिया, अब तो मैं बड़ा साधु हूँ, अब प्रचार करने के निकाला हूँ, वो बात कह रहे हैं जो लोग रिलीजियस पिक्चर का भूमिका में उतर रहा है, दोज़ हू क्लेम टू बी रिलीजियस पिक्चर्स, जो क्लेम दावी कर रहा है कि हम रिलीजियस पिक्चर हूँ, ये लोगों का अंदर में दी ये ख्वाहिश होता है इच्छा है टू प्रोटेक्ट their own existence, अपना जो flag है अपना जो flag है इसको जैसे माउंट एवरेस्ट में गया जो कुछ भी जो भी बंदा गया पहले तो जान नहीं पाया, एडवियन पियरी और हमारे तेंजिंग निर्क किया उसका बाद तो गया बहुत आदमी जो भी है, वो जाने के बाद अपना अपना देश का एक झंडा लगा के आता। यहाँ बात है जो भी प्रचार में जाता है वो चाहता है कि मैंने इतना प्रचार किया इतना है ना कष्ट किया कि क्या मेरा नाम नहीं रहेगा क्या, तो मेरा ही नाम का मैं अपना नाम का झंडा लगा के आता है। लेकिन वास्तविक साधु का ये लक्षण नहीं है, वास्तविक शरणागत साधु का लक्षण है अपना जीवन में जो कुछ भी आया लब्धार्पणम, जो कुछ भी गुरु जीवन में आया एक वास्तविक साधु शरणागत साधु इसका जीवन में ये विचार है जो कुछ भी आया आएगा लाभ पूजा प्रतिष्ठा मेरा कोई हक नहीं है इसको लूट करने का, बीच रास्ते में इसको लूट करने का हक मेरा नहीं है, इसका हकदार है गुरु वैष्णव भगवान
मैं कौन होते हूँ, ये विचार किसी का नर में नहीं बनता। अगर प्रचार भी किया प्रभुपाद जी ने भेजा, और बाद में आफ्टर प्रभुपाद जाने के बाद भी जो प्रचार करने का बहुत सारे दिखाया, हमने इतना प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि दे लाइक टू प्रोटेक्ट देयर ओन एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व, अपना नाम जस, अपना फ्लैग को उधर गढ़ के आना चाहता है, क्योंकि हमने इतना परिश्रम किया। इसका अंदर में भावना नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु वैष्णव ने किया, ये बुलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं, ये भावना नहीं है। और कई बार पहले भी कह चुका कि वास्तव वास्तव गौड़ीय गुरु वैष्णव जो है, अपना खुद का ऊपर आस्था नहीं रखने वाले, पहले भी बहुत बार कह चुका ये जो वास्तव गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय मठ का, गौड़ीय सोसाइटी का, गौड़ीय मठ का, गौड़ीय भजन का, ये लोग अपना अपना जो पावर है, अपना जो बलो भरोसा है, इसका पर इसका ऊपर आस्था नहीं रखने वाले, क्योंकि ये लोग, ये लोग को मालूम है, ये पक्का जानते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये तो गुरुजी करवा रहे हैं। प्रभुपाद प्रभुपाद हजारों हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, फिर भी करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, ये भावना नहीं आता सब कोई का अंदर। इसलिए प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग में बोलता है कि हम प्रचार में आए गुरु के पास, ये तो बोल देते हैं, अब बाद में गुरु जी का और गुरु जी का संस्था गौरी मिशन गौरी इसका साथ एकदम लिंक काटना चाहता है। ये मूर्ख जानता ही नहीं ये लिंक काटने से कुछ टिकेगा नहीं, ये लिंक अगर कट दो तो कुछ नहीं बचेगा, सारे एकदम मिट्टी में मिल जाएगा, ये जानता ही नहीं, इसको भावना नहीं है। मैं प्रचार में निकला है, जीवन जिंदगी में प्रभुपाद का तो कुछ सेवा किया नहीं, बाद में आया, अब बाद में आके बोला हमने प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापन किया। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट ऐसे स्थापित नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापन किया है भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापन किया है रूप गोस्वामी पा, सनातन गोस्वामी पा, जीव गोस्वामी पा, क्यों? चैतन्य महाप्रभु का जो ख्वाहिश इच्छा इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको भड़काया नहीं, आम आदमी को भड़काया नहीं, अपने ओर खींचने का कोशिश नहीं की। ये लोगों का एक का भी ऐसा भावना नहीं था कि अपना ओर खींचू, सारे जो लाभ पूजा पद अपना ओर खींचू, ये भावना बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सारे तमाम जो कुछ भी है गुरुचरण में देने के लिए व्यस्त है, अपना आत्मस्वार्थ करने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। तो गौड़ीय वाले जो है अपना बलो भरोसा पर, अपना इंटेलिजेंट है, अपना इन कृतित्व सबका ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले, ये क्योंकि वो लोग को मालूम है तमाम जो कुछ हो रहा है, किसका एक क्षमता है, किसका कृपा से ये आकर्षण, ये आकर्षण मैंने ओरिजिनल सोर्स है, ये ओरिजिनल सोर्स का ऊपर ये लगा देता है। ये बल्लभ जी महाराज राधा रानी और गुरु परंपरा का ऊपर पूरा अपना बलो भरोसा का जो कुछ भी है सब इसका ऊपर दे देते हैं, बिना अपना ऊपर नहीं लेते। जैसे माधवबिंदु प्रभुपाद का पूर्ण कृपा ईश्वर प्रतिपाद जी किया है, रामचंद्रपुरी को कभी भी, रामचंद्रपुरी को कभी भी माधवबिंदुपुरी का पार्षद नहीं बोला जाएगा, कोई अगर बोले तो गाधा है। माधवेंदु पुरीपाद को, ईश्वर पुरीपाद को माधवेंदु पुरीपाद का इनो पार्षद माना जाए, क्योंकि ये माधवेंदु पुरीपाद का अंदर में जो भाव है, ये भाव का संपूर्ण शेयर किया है, संपूर्ण गुरुजी का साथ एकदम एकाकार हो गया, इसका भाव का तन्मयता एकाकार बन गया, ये अंतरंग भक्त का ये सिंटम है। अंतरंग भक्त का ये सिंटम है ये गुरु जी का अंदर में जो भाव है, इच्छा है सबका साथ शिष्यों का एकदम मिल जाना। जैसे उदाहरण दिया था
रामचंद्रपुरी का साथ रामचंद्रपुरी का साथ एकाकार रामचंद्रपुरी श्रीनिवास आचार्य जोशी का साथ एकाकार हो गया। जब भी बाहरी दृष्टि में बहुत दूर रहता है अंतरंग शिष्य देखा जाता है, फिर भी अंतरंग मतलब है जिसका हृदय का भाव जिसका साथ मिल गया, गुरु जी का हृदय का भाव ये अंतरंग है। चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो यूनो क्षत्रिय हो, फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका चर्चा अंग्रेजी कथा में कोई खुलासा हुआ है। तो गुरु जी के सामने रहने से, गुरु जी का कपड़ा चेंज किया, गुरु जी का रसोई किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंतरंग है। ये मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, ये समझता नहीं कि गुरु जी का अंतरंग उसी को बोला जाता है। पोपात से केशव गोसाई महाराज, पोपात से गोसाई महाराज जी हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी अंतरंग है। पोपात ने स्वीकार किया। पोपात जिंदगी में विदेशी लोगों को ज्यादा दीक्षा नहीं लिया क्योंकि कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन निशिकांत सन्याल पोपात का पार्षद जिसका बारे में पोपात जी ने कहा था कि श्री कृष्ण चैतन्य बोल के एक किताब लिखे, बड़ा वैल्यू बिग वैल्यू। पोपात किताब को हाथ में लेते हुए थोड़ा देखा, अब बोला निशी बाबू ने हमारा करोड़ों रुपया का प्रचार कर दिया। अब सोचो क्या बात है, निशी बाबू ने किसी जगह गया ही नहीं, सिर्फ इतना किताब लिखा। पोपा जी कह रहे हैं निशी बाबू ने मेरा करोड़ों रुपया का प्रचार कर दिया, मतलब क्या है, पोपात का मनोभिष्ट का स्थापन किया। पोपात का जो मन का जो अभिष्ट है स्थापन किया। तो रामचंद्र परिपाद अगर सामने रहे गुरु जी का, फिर भी ये बाहर का आदमी है, ये मायावादी है। आई बात समझ में? कोई मूर्ख अगर समझे कि महाराज कंसों को भी सम्मान करना चाहिए, भगवान का मामा है, मामा लगता है, अब सम्मान नहीं करोगे, वो गाधा है। कंसों को अगर मामा समझ के आदर करने जाओ कृष्ण का, इससे बढ़कर गलती नहीं होगी। सबसे बड़ा गलती क्योंकि अपना बाहरी दृष्टि में, लेकिन अंतर्दृष्टि में तो खिलाफ है, भगवान को मारना चाहता है। ये कैसे रिश्तेदारी है, ये मामा, ये कैसा मामा है? तो कंसों को अगर मामा समझ के उसका पूजा उतरने जाए, अरे महाराज कृष्ण का तो मामा है, उससे बढ़कर गाधा कोई नहीं है। पोप आपका सामने बहुत आदमी हो सकता है, आपको देखना है विचार करके। वायु पुराण का वो जो शास्त्र का विचार है, आचीनोति जो शास्त्रार्थम स्थापयति अपि स्वयं आचार्यति जस्मात् आचार्यो स्तेन कृतिता, ये सब विचार सामने रखते हुए आगे चलना है। किसने क्या किया प्रभुपाद के लिए? चैतन्य महाप्रभु का जो मनोविश्व स्थापन किए हैं गोस्वामी लोग अंतरंग, ये कोई मामूली बात नहीं है। रूप गोस्वामी पाद हजारों किलोमीटर दूर है, 1600 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर बैठे हुए वृंदावन में महाप्रभु ने बैठे, और महाप्रभु बैठा है इधर, फिर भी अंतरंग भक्त है। माधवी देवी दासी बाहरी दृष्टि में लड़की है, जनानी है, सुख तो क्या हुआ, अंतरंग भक्त में इसका भी गिनती हो गया। तो ये जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये लोग अपना जो झंडा है वो झंडा के गाड़ के आता है, प्रचार में तो जाता है, बिना पैसा कौन प्रचार करेगा? अरे कुछ तो इंटरेस्ट मेरा चाहिए, नहीं तो कौन करेगा माथा पीछी। कि यही इसका भाव है, सर्वम गुरुवे दद्या, ये जो विचार है
ये भक्ति रसामृत सिंधु का, ये तुम्हारा हरिभक्त विलास का, ये सब नहीं, ये सब विचार नहीं है कुछ। ये किसी भी हालत से बाय फ्लैटरिंग वायलिंग करके बा किसी भी हालत से अपना जो झंडा है उसको करना चाहता है, क्योंकि ये अब्सोल्यूट बातें है। ये जो मेरा बातें हो रहा है कितना हजार लोग सुनेगा, बहुत मिनिमम ये सुनने वाला है ही नहीं। मैं इस विचार लेके कथा नहीं बोल रहा हूं, भगवान का कृपा से एक लाखों लोग सुनेगा, क्योंकि संभव नहीं है। एक क्रॉस का डांस हो जाए उसमें लाखों लाखों लोगों का सब्सक्राइबर हो जाएगा, अगर रोज भी हो। बांग्ला में खेमटा नाच बोला जाता है, वो उसको देखने के लिए, ये सब सुनने के लिए आदमी नहीं है। अप्राकृत सप्त वस्तु का सुनने का साथ साथ वो बात कह रहे हैं, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट पॉपुलैरिटी, अपना जो नाम जस जो है ये बढ़ नहीं सकता। देखो कोई सामान्य आदमी है, इतना सामान्य है कि उसको उच्चारण उसका नाम करने में भी मेरा शर्म आता है, लेकिन उसका नाम पृथ्वी का कोने कोने में, क्योंकि वो कर्म मार्ग में है, कर्मयोगी बोल के अपना विचार दिया, अमेरिका में भाषण दिया। अरे महाराज, वो भाषण को मेरा पास लाओ और दिखाओ विचार करके, उसमें कोई इंडियन भक्ति व्यक्ति हमारा भक्ति का कोई विषय है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा उसमें, एक भी भक्ति का कोई बात ही नहीं है, सब मेटेरियल बात है। लेकिन क्लैपिंग जो हुआ, तालियां जो बजी, उसका जो रनक है अभी भी चल रहा है, पूरा दुनिया में उसका ही ताली चल रहा है। क्या प्रभुपाद का तो ताली तो चल नहीं रहा है? प्रभुपाद का नाम पे तो हमने अपना नाम जस को कमा लिया, लेकिन प्रभुपाद को साइड कर दिया। ऐसे तो नाम में प्रभुपाद को रखा जैसे शंकराचार्य वेद को सामने रखा, नहीं तो वेद नहीं सामने रखने से प्रचार कैसे बनेगा, लोग तो ऐसे ठुकरा देगा। तो वेद को सामने कम से कम रखो, ये धोखाबाजी। हम प्रभुपाद का सामने, प्रभुपाद को सामने रखे, भक्तिमठ को सामने रखे, लेकिन ये सामने रखना भी धोखाबाजी है। अगर नहीं रखे तो मेरा जो भी आता है वो आएगा नहीं। आई बात समझ में? वो बात कह रहे हैं, हम दुनिया का जितना आदमी है उसका सिंपैथी गेन करने के लिए, वो बात कह रहे हैं हम दुनिया का जितना सारे आदमी हैं, ये लोगों का सिंपैथी गेन करने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए हमारा कोई ख्वाहिश नहीं, इच्छा नहीं है। हरिभजन मतलब हरि को संतुष्ट करने का ही इच्छा है, और कुछ दूसरा इच्छा नहीं है। तो ये जो सनातन गोस्वामी पाद जी हैं, ये आपका श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापन करके दिखाए हैं, महाप्रभु का जो आदेश निर्देश पालन किए, पोपा जी उपदेशामृत में लिखा है, जो गुरु जी का नाम लेके प्रचार में निकलता है, कुछ भी करता है। पोपा जी कह रहे हैं गुरु जी का नाम लेके प्रचार अच्छा जो भी करने का बहाना बनाता है, वो अगर गुरु जी का आदेश निर्देश का उल्लंघन किया, वायलेट किया, प्रभुपाद कह रहे हैं वो नरक में जाएगा, वो नरक में जाएगा सीधा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अ फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेवर बिकम अ प्रीचिंग पर्सनैलिटी। प्रचार करने वाले अगर वायलिंग करने वाले हैं, वो प्रचार नहीं कर सकता, संभव नहीं है, ये हर हालत में असंभव है। जो श्लोक देके शुरुआत किया, अनर्थ वसमम साक्षात भक्ति योगम अध्यक्ष जी, हमारा जितना सारे अनर्थ है सबको हटाकर भक्ति योग में प्रतिष्ठित होना जरूरी है, ये गीता का स्वार वाणी है। और 11 नम स्कंद में भी ऐसा बहुत चर्चा किया, भक्त भक्ति का डिवीशन तरीका, उसका भी एक्सीलेंसी क्या क्या है, उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी विचार किया गया।
ये तो है, लेकिन हमारा बुद्धि विषय में फंसा हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी अपना उपदेश उपाख्यान, उपदेश उपाख्यान में एक मिसाल दिया प्रभुपाद जी। एक बारात जा रहा है, शादी का लिए व्यवस्था है और जाने का रास्ता तो है नदी से जाना पड़ेगा, इसीलिए एक बोट को अरेंज किया, हायर किया, भाड़ा किया, वो पैसा लेके पार कर देगा, बहुत दूर जाना है। और शादी का जो समय है, ये शादी का जो समय है ये भी रात को 1:30-2 बजे, बहुत लेट शादी का लगन है रात को। और बेचारा क्या किया जाए, सारे बारात जो है ये बोट में बैठ गया किश्ती में, और बोट वाले को पैसा भी चुका दिया और थोड़ा बहुत नशे में भी था सारे, चलो कोई बात। और उन लोगों को ध्यान ही नहीं चला कि उठ के थोड़ा नशे में बैठ गया, इधर उधर थोड़ा रेस्ट लेने के चक्कर में व्यस्त हो गया, किसी का ध्यान नहीं रहा कि बोट नहीं चल रहा है। और बोट वाले जो है, बोटमैन जो, वो भी नशा किया गंजा का, वो नशा करके उसको भी नशा में ऐसा झूम आ गया, उसको याद नहीं कि अपना जो एंकर जो है जिसमें बोट को बंधा जाए उससे खुला ही नहीं, तो बोट जहां का तहां पड़ा हुआ है। सुबह जब सूरज उदय होने का, अरे क्या बात है, कहां है हम तो एक ही जगह है, पर हाँ हमारा भजन का ही यही व्यवस्था है, जहां का तहां पड़ा हुआ है, हमारा माफ करना, मैं चीट नहीं कर सकता, माफ करना, हमारा हालत एक ही है जहां के तहां, क्योंकि हमने अपने अपना जो एंकर जो है उसको उठाया नहीं, विषयों से अपना मन को लगन को हटाया नहीं, लगन तो उसमें बैठा हुआ है। अब जितना भी किस्ती चलाओ और कोई होने वाला नहीं, क्या कुछ होने वाला तो है नहीं, क्या करोगे। ऐसा ही है अनंत काल जीवों का, ऐसा ही हालत देखते रहे भगवान, और भगवान रोते रहते हैं, अरे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला मेरा हो रहा, तैने गया उस तरफ चला गया, क्या करे। ऐसा करके व्यासदेव जी बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया, महाभारत का अंदर में ये गीता तो महाभारत का अंदर में है, भारत महाभारत गीता बहुत सारे, भागवत जी महापुराण कितना सारे, पुराण 18 पुराण आदि सार वेद वेदांत सारे दिया, लेकिन सुने कौन, सुने कौन, सुनने वाला कौन है, कोई है, कोई बंदा है, अगर है तो ऐसा विचार कहां। आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलान सृष्टा, उपनिषद में बताया था ना, बताया गया ना। अरे महाराज पहला बात तो ये है, इस अप्राकृत तत्व जो आत्म तत्व जो है इसका बारे में बताने वाला नहीं है, कहां मिलेगा, सब डुबकी लगा रहा है विषय में, सब डुबकी विषय में डुबकी लगा, कहां मिले। वक्ता सराग निराग द्विविध परिकीर्तिता जीव गोस्वामी, अरे दो किस्म का वक्ता है, एक तो अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा को इकट्ठा करने में लगे हुए है, अनर्थ तो बढ़ा हुआ है और बोल रहा है बस लेक्चर दे रहा है, और दूसरा किस्म का है वो सारे तन मन जीवन गुरुपति अर्पण सब दे दिए, गुरु का हो गया, मैं गुरु का हो गया हूं ऐसा करके अपना बोल के कुछ नहीं बचा है जिंदगी में, जीवन जिंदगी सारे निछावर कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवत तत्व विज्ञान तो समझ सकता है, अगर सदगुरु का पास आए तो जरूर समझेगा, ऐसे ही तो समझना चाहिए ना। तो इसलिए उपनिषद में बताया आश्चर्य सबक्त आत्मतत्वविद आत्मतत्व के बारे में बताने वाले ये जगत में ऑलमोस्ट नहीं है, कहाँ मिलेगा, करोड़ों करोड़ों पैसा मिलेगा, कामिनी कंचन मिलेगा, महाराज कुछ भी कर लो
कुछ भी कर लो अपना जिंदगी में, पैसा का भरोसा में जियो या तो मैन पावर में जियो, एजुकेशन पर महाराज खूज हूं मैं तो हरिका तो सुन रहा हूं। अच्छा ठीक है सुनो, अब तुम ही जानो क्या कर रहे। तो आश्चर्य अश्वक्ता ऐसा वक्ता बहुत कम है, नहीं है। अगर मिल भी गया ऐसा वक्ता, जैसे नौचिकेता में, नौचिकेता का जिंदगी में नौचिकेता का तैयार कर लिया कि महाराज आपको ही बताना है, जोमराज जी महाराज ये वैष्णव ठाकुर है आपको बताना है। अरे क्या करोगे ये सब लेके, सब ये सब बाकी सब ले जाओ, ये सब नहीं आपको ही बताना पड़े। वैष्णव से गुरु से छुटकारा मिलाने के लिए हम उल्टा रास्ता में दौड़ रहे। अरे दिखा तो ले लिया, दिखा तो ले लिया दिखावा, मैं उल्टा रास्ते में दौड़ रहा हूं। अरे जितना गुरु वैष्णव के, गुरु वैष्णव से दफा रहो उतना ही अच्छा है। अरे कितना कितना कड़ा बात बोलता है, गुरु वैष्णव से जितना दूर रहो दफा रहो उतना ही अच्छा है, ऐसा उसका विचार है। महाराज कहाँ दफा रहोगे, कहाँ भागोगे, गुरु वैष्णव से कहाँ भागोगे, भागते 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 कहाँ जाओगे, हैं? भागते भागते अंतिम रास्ते में जाओगे, नरक में जाओगे, वहां भी तुम्हारा जो पनिशमेंट देने वाला जो है वो भी वैष्णव है, जमराज जी महाराज। अगर नरक में जाओ, जुमालय में जाओ, वहां भी वैष्णव खड़ा हुआ है, कहां जाओगे, वैष्णव छोके कोई है, हैं? वैष्णव छोके कोई है क्या, कहां भागोगे, जहां भागोगे वहां देखोगे वैष्णव खड़ा हुआ, अंतिम कहां जाओगे। तो इसलिए वैष्णव से भागने का कोशिश मत करो, भागने का कोशिश मत करो। मैं जानता हूं बड़ा कठिन है, लेकिन क्या करोगे, कोई तो सलूशन है नहीं, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव होता तो हम बता देते, चलो ये नहीं करो ये करो, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, नहीं तो करोड़ों जन्म बाद तुमको आना ही है, तुमको आना ही है गुरुचरण में, आना ही है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कहाँ जाओ, घूमो करो करो जन्म, घूमो घूमते रहो, अंतिम में कहाँ जाओ। अरे हरि भजन में जब लग गया दिखावा तो इसको क्यों ना सिंसियरिटी मेरा अंदर में आ जाए, पक्का भजन कर ले, करना जब पड़ेगा ही आज नहीं तो करोड़ों जन्म बाद, क्यों ना अभी कर ले, इतना हमारा सामने इतना यू नो इतना सारे समाधान है, कोई भी समाधान मिले गुरु वैष्णव का साथ, रिश्ता तैयार करो, दीक्षा ले लो, हरि कथा कीर्तन सुनो, सब कुछ करो, तो जमराज जी महाराज जी ये भी पनिशमेंट देने वाला जो है वो भी तो वैष्णव ही है और क्या। अगर कोई बोलने वाला मिल भी गया, मानो मानो कि ठीक है मिल गया, कोई बोलने वाला मिल गया, तमाम दुनिया में छानबीन करके आफ्टर कॉम ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोज यू आर गोइंग टू गेट वन एग्जाल्टेड पर्सनैलिटी हु इज रियली कृष्ण तत्वविद, जो वास्तव कृष्ण तत्वविद, जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। सिद्धांत तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं दीक्षा लिया हूं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। भक्ति और सिद्धांत तो ज्ञान जो है ये बराबर है, एक साथ एक ही, भक्ति सिद्धांत तो हैं, भक्ति सिद्धांत तो विचार एंड भक्ति नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किसी का भक्ति सिद्धांत तो ज्ञान नहीं है महाराज, बड़ा साधु है, हो ही नहीं सकता, एक गलत सिद्धांत है। चाहे गौरकिशोर बाबाजी महाराज के मापिक अनपढ़ है, फिर भी सिद्धांत अगर गौरकिशोर बाबाजी महाराज पूरा पक्का है, पूरा एकदम सब सिद्धांत बता दे, शास्त्र पढ़ाया नहीं जाता। भक्ति विज्ञान भारती महाराज कहते थे, लोग समझते कि मैं हम लोग इतना किताब पढ़ा, लेकिन अकिन मानो महाराज किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था,
बस दिन रात गुरु सेवा करते 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 गुरु वैष्णव का मुखारविंद जो सुनने सुनते सुनते भगवान तत्वविद बना दिया, तत्वविद भगवान बना दिया। गुरु सेवा का इतना महिमा है, चाहे मूर्ख भी हो फिर भी उसका तत्व ज्ञान आ जाए। तो भक्ति और तत्व ज्ञान दोनों बराबर है, एक साथ चलता है, एक काट कर दूसरा वो होता नहीं। तो मान लो कि अगर वक्ता मिल भी गया लेकिन श्रोता कहां से लाए, मानो कि चलो कि पकड़ लिया हो गया कोई वक्ता मिल गया, ऐसा आत्मतत्वित वक्ता हमारा साथ हमारा सामने मिल गया लेकिन लेकिन श्रोता कहां है। श्रोता मतलब जो सुनेगा, जिसका सुनने का तरीका ऐसा है कि महाराज एक एक शब्दों को सुनो। गुरु जी का कोई शब्दों मैंने अपना जिंदगी में रिकॉर्डिंग नहीं किया, एक्सेप्ट भक्तों लोगों में बोला गुरु जी जो एकांत में हरिनाम करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो है इसको किसी ने उठाया था, मैंने कंप्यूटर मैन को बोल के इसको पूरा एक 2400 घंटा चलने वाले एक तो रिकॉर्डिंग बना दिया, मैं चारों ओर चल दे रहे। लेकिन जी गुरु जी के जो कथा है दूसरा लिख दूसरा आदमी जो है दूसरा सारे वो लोग रिकॉर्डिंग किया। गुरु जी अक्सर बोलते थे अरे हृदय में रिकॉर्ड कर, बाहर में रिकॉर्ड करे तो भग सकता कुछ भी हो सकता लेकिन हृदय में रिकॉर्ड कर ले, तो इसलिए हृदय में रिकॉर्ड करने का प्रयत्न किया। मैंने हृदय में रिकॉर्ड करने का प्रयत्न, कब गुरु जी क्या बोला था, क्या आचरण था, किस अवस्था में क्या बोला था, सारे ये रिकॉर्डिंग है हृदय में, वही हरि कथा का रूप में निकल रहा है और कुछ नहीं। ऐसा करके श्रोता बहुत मिलना बहुत मुश्किल है महाराज, अगर वक्ता मिल गया। इसलिए उपनिषद का ये कहना है आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलान सृष्टा, कहाँ मिले कहाँ ढूंढने फिरे कहाँ ढूंढते फिरे ऐसा वक्ता और श्रोता, वक्ता भी मिल भी गया श्रोता कहाँ मिले। विशेष करके प्रभुपाद कह रहे हैं, किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को महाराज शुद्ध शुद्ध भक्ति का कीर्तन करने वाले इतना रेयर हो गया, यहाँ तो मिलता ही नहीं, शुद्ध हरि कीर्तन हरि कथा क्यों इतना रेयर हो गया प्रभुपाद जी, किस लिए इतना इतना रेयर क्यों हो गया, मिलता ही नहीं। पोपा जी ने साफा उत्तर दिया, हरि कीर्तन हरि कथा आजकल का जमाने में जो ये इसका जो स्कार्सिटी है, ये दुर्भिक्ष है, फेमिनन, इसका कारण एक ही है कि हम लोग शुद्ध गुरु वैष्णव से हटना चाहता है, उन लोगों को छांटना चाहता है, छांट दो है? बेकार ऐसा बातें बोलता है, कोई आनंद नहीं मिलता है, छांट दो इसको हैं, छांट दो। प्रभा जी कह रहे हैं बस दैट इज द ओनली रीजन फॉर व्हाई देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ हरि कथा, नॉट दैट आज के जमाने में एक भी बंदा एक भी साधु नहीं है। जगन्नाथ इतना वीक है, जगन्नाथ का हाथ पैर नहीं है, जगन्नाथ इतना निकम्मा है कि दुनिया में एक भी तत्वज्ञानी महापुरुष को रखने के लिए उसका क्षमता नहीं। यही तो बताना चाहते हो ना, क्या बताना चाहते हैं मायावादी, क्या बता रहे, यही तो बताना चाहता है आजकल का, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है आजकल, हाँ कोई नहीं है तो और अनुगत का कोई प्रश्न भी नहीं है, चलो नंगापन देखे तुम्हारा, कोई नहीं है मतलब आज हरि कथा के तो किससे सुने, कोई है ही नहीं, हाँ कोई है नहीं मतलब हम मायावादी, और कोई है ही नहीं मतलब अनुगत करने का और सवाल ही नहीं है, हमें नंगा दौड़ेंगे, मेरा नंगापन सब आदमी देखो, यही तो देखेगा ना, यही तो विचार है ना। अरे जगन्नाथ कैसे उसे वीक हो सकता, अनंत ब्रह्मांड नायक, शास्त्र में जो विचार है इट कैन नेवर सो हैपन, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दुनिया में एक साधु नहीं रखा जगन्नाथ,
हो ही नहीं सकता, ये विचार होता ही नहीं, इम्पॉसिबल। जगत है तो साधु भी है, जगत है भगवान है भक्त है साधु, इटर्नली प्रेजेंट। लेकिन हम अंधा है, देख नहीं सकता, हम अंधा है इसे देख नहीं सकता। सनातन गोसाई चले जाने का बाद मेरा रोना आता नहीं, आफत गया, सनातन गया तो आफत गया। अरे क्या सब तत्व ज्ञान सब दिमाग में नहीं घुसता महाराज, यही तो बात है बेचारा। लेकिन रघुनाथ दास गोसाई रो रहा है, रघुनाथ गोसाई रो रहा है, पागल का मापिक मरना चाहता है। रूप सनातन चला गया तो कुछ नहीं बचा, सारे खत्म हो गया, जीने का चाहत नहीं रहा, जीने का चाहत नहीं, किसके लिए जीऊं। अरे कुत्ता बिल्ली भी अपना लिए जीता है, हम भी अगर ऐसा जिए तो जीने का क्या कीमत है। कुत्ता बिल्ली भी जीता है, अपना रोटी का टुकड़ा अरेंज करता है, खुद खाता है, दूसरा कुत्ता का साथ लड़ाई करता है। ऐसा अगर ऐसा मेरा जिंदगी है तो ये जिंदगी क्या कीमत है, इससे तो अच्छा मरना। जीना है तो गुरु वैष्णव के लिए जीनो, जीना है तो भगवान के लिए जियो, जीना है तो सत्य के लिए जियो। सत्य से पीछे हट रहे हैं सारे दुनिया, जीना है तो सत्य के लिए जियो, यही तो दुनिया है। वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न ही रपाय यत माम अनभिप्स मान्यम किफाम बुधिर यत, ये जो श्लोक अभी बताया था अंग्रेजी कथा में बड़ा सुंदर, किपाम बुधिर यत परदुक्ष दुखी य सनातनम त्वम प्रभु माश्रया, यही तो बताया रघुनाथ दास गोसाई। रघुनाथ दास गोसाई रो रहा है, रघुनाथ रो रहा है ना, ये तो भगवान का जो ये जो गौचारण क्षेत्र जो है, सारे जो गौचारण क्षेत्र है हमको लगता है सारे नाल एंड वॉयड, कुछ नहीं बचा। अरे सूना सूना लग रहा है, चारों सूना, सूनापन, एक तनाव, एक सूना सूनापन, चारों ग्रास करने जाता है। भगवान का इतना सारे वृंदावन में ये गौचारण क्षेत्र है, ये सूना सूना सारे सूना है, कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है। ये गिरिराज महाराज जिसका चरण में स्थान लेने के लिए मितना कितना प्रार्थना किया, हो गिरिराज मेरे को जरा सा थोड़ा सा जगह दे दो, आपका चरण में बैठ के बस हरिनाम करेंगे और राधा को जुगल सरकार का भजन करेंगे। इतना तो प्रार्थना किया है बहुत बार, लेकिन आज क्या हो गया मेरा, आज क्या हो गया। ये गिरिराज को लगता है कि जैसे अजगर पाइथन हमको ग्रास करने आ रहा है। यही राधा कुंड जिसमें मैं तीन बार नहाने का अभ्यास मेरा, अपराकित राधा कुंड में राधे राधे बोलते बोलते रोते रोते तीन बार नहा लेते थे। और हम ये जड़ शरीर दुर्गंध दूषित, ये दुर्गंध दूषित लेकर शरीर लेकर मैं राधा कुंड में डुबकी लगाना चाहता हूं। कितना स्पर्धा है, जो राधा कुंड सपने में भी मेरा दर्शन नहीं होने वाला है उसी राधा कुंड में मैंने स्नान करने का स्पर्धा रखने वाला हूं। कितना बड़ा साधु बन गया मैं। रघुनाथ दास से रूढ़ है, वही तो राधा कुंड है, लेकिन आज लगता है कि शेर का मुंह है। वही तो राधा कुंड है, लेकिन आज लगता है कि जैसे शेर का मुख है, शेर का मुख। ये किस लिए हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? पहले महाराज इसलिए हो रहा है कि जीवातु रहित समय, आज मैं जीना नहीं चाहता हूं। सनातन गोस्वामी गया चला गया, रूप गोस्वामी चला गया, तो मेरा क्या रह गया, मैं मरना चाहता हूं, क्या जी के क्या करूं। ये लोग कृपा से, भरपूर कृपा से मैं जीना का चाहत था, अब वो भी चला गया। सिनेमा साचा जो जब वृंदावन जाने के चक्कर में थे, बीच में खबर मिला सनातन चला गया, रूप चला गया, अरे महाराज हाय हाय हाय, सब चला गया।
धीरे धीरे सब जा रहा है, गुरु वैष्णव सारे जा रहा है, सारे जा रहा है धीरे धीरे। और खुले मैदान खुला है, जो करना है तो अपना नंगापन को दिखाओ, दिखाओ जो इच्छा है करो और क्या करे। जब तक संप्रदाय में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे, जब तक संप्रदाय में कोई वाणी वैभव नहीं रहे, ये तो विश्वा का आलय हो गया, प्रॉस क्वार्टर, ये मठ नहीं रहे। गुरु जी कहते थे मठ नहीं कोमठ है, ये मठ नहीं बचेगा। ऐसा हालत में स्थिति में पहुंच गया, ऐसा हालत में पहुंच गया संप्रदाय का, कोई नहीं है जो ऐसा उसको रोके, क्या कर रहे हो इतना बोले कम से कम। अरे महाराज जो कर रहा है करने दो, हमारा क्या आता जाता, हम अपना गुरु जी का टेम्पल बना दिया, कितना बड़ा देखो, यही हमारा सेवा, ये मनोविष्ट सेवा। अरे ये सोसाइटी वाले ने बड़ा गुरु जी का मंदिर, हम इससे भी अच्छा करेंगे, ये है उसका, ये है इसका भजन, ये कंपटीशन कर रहा है, हम दिखा देंगे हमारा कलेक्शन और ज्यादा करेंगे। वो 5 करोड़ का गुरुजी का समाधि बना, हम 10 करोड़ का बनाएंगे, गाधा जैसा बुद्धि है। अरे ऐसे कभी भी श्री चैतन्य मनोविश्वन स्थापित भूतले हो नहीं सकता, तुम मर मिट जाओ कुछ भी हो जाए, ये कभी भी हो नहीं सकता, सिद्धांत को भी बदलेंगे नहीं। अब अर्जुन का ये जो गीता में जो प्रश्न है, ये हमारा जो चर्चा हो रहा है अभी, इसका साथ ताल्लुकात है, बहुत सुंदर। जन्म जन्म हम नया नया शरीर को प्राप्त करना चाहता हूं, नया नया व्यसन में डूबना चाहता हूं, नया नया एंजॉयमेंट, नया नया सब, यही मेरा ख्वाहिश है, मैंने तैयार कर लिया, हरि भजन नहीं करना है, यही हालत है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह का विचार बना के बताया, तरह तरह का विचार बनाया महाराज। नंबर 2 अध्याय, 2 अध्याय खुलो, ये 2 अध्याय से लेकर आगे चलकर कितना कि क्या कुछ नहीं बताया। बासांग से जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, कितना सारी चीज बताए। ये शरीर नश्वर है, ये कुछ भी नहीं है, ये शरीर के संबंध में जो कुछ भोग रहे हो इसे यहां ही रखने दो, यहां तक सीमित रखने दो, आत्मा का साथ इसको कंटामिनेशन मत करो, आत्मा टोटली एक्सक्लूसिव, आत्मा तो आत्मा ही है, चिन्मय वस्तु है। हाँ ये बोल सकता है, 2 किस्म का जो, एक है जीवात्मा है जो भोग करना चाहता है, और एक आत्मा है वो परमात्मा है, दोनों पुरुष बैठा हुआ है। पुरुष ये शब्द इसलिए व्यवहार किया कि उसका एंजॉयमेंट करने का स्पर्धा है अंदर में। हाँ ये तो भगवान के लिए पक्का बात है, भगवान के लिए स्पर्धा रहे तो एक दोष का नहीं है, ये परमात्मा ये भगवान है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, यही तो भोक्ता है, कौन भोक्ता है, हम हैं। लेकिन जीवात्मा अगर भोक्ता बने तो इसका लिए बंधन का कारण बन जाए, इसीलिए 2 पुरुष बैठा हुआ है, 2 पुरुष बैठा हुआ है अंदर में, एक है परमात्मा खिरदकसाई अनिरुद्ध विष्णु परमात्मा का रूप में बैठा हुआ है, दूसरा है जीवात्मा जो भोगना चाहता है एंजॉयमेंट। इसी का बारे में श्वेतस्वर उपनिषद में बताया गया, एक ही वृक्षों का डाल माने ब्रांच में 2 पंछी बैठा हुआ है, एक निरन्न है, निरन्न एक कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ देखता रहता है, और दूसरा एक पंछी है वो सुख दुख नामक जो फल है वो संसार वृक्ष में
ये जो लगता है फल लगता है ना, ये संसार नामक जो वृक्ष है इसमें सुख दुख का फल लगते हैं हर वक्त, उसी को हम लोग आस्वादन करते रहते सुख और दुख, और इसको भोगने के लिए ये दौड़ता है कौन, ये जीवा, ये जीवात्मा है। हाँ, परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा देखते रहते हैं, टकटकी लगाकर देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, नजरदारी, इसका मतलब नजरदारी कर रहे हैं, और जो कुछ भी जीवात्मा कर रहा है अच्छा बुरा उसके लिए परमात्मा कोई जुमा नहीं लेगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, तैने तो मेरे को पूछ के नहीं किया, अब जब रोना धोना आया तो क्यों हुआ, मैं क्या करूं, मेरे को पूछ के किया था हैं? अपना मन में नहीं कर रहा था, अब अभी पूछ रहा है तो भगवान हमारा ये हैं दुनिया के रखवाले, बचाओ मेरे को भगवान, भगवान ठेका लिया तुम्हारा अनंत ब्रह्मांड कर ठेका लेकर बैठा ही है, तो हमारा जो कंट्रोलिंग है एब्सोल्यूट कंट्रोलिंग भगवान का हाथ में है, और अपने आपका अपने आपका कंट्रोलिंग जो है ये हमारा हाथ में है, अपना अपने आप अपने को कंट्रोलिंग कर रहा हूं, बद्ध मन बद्धो, ये जो है सारी जो जो है ये मेरा बद्ध अवस्था में ऐसा ही स्थिति है। तो विचार ये बनता है त्रयोदश अध्याय का सबसे बड़ा मकसद ये है कि बद्ध जीव कम से कम ये तो समझे भक्ति क्या है, भक्त क्या, भगवान क्या है, शरीर क्या है, ये सुख दुख क्या है, ये शरीर का साथ प्रकृति का क्या रिश्ता है, है? क्यों मैं इतना दुख भोग रहा हूं, कैनो मोरे जारे तपोते, जैसे सनातन गोस्वामी जी प्रश्न किया भगवान के सामने, भगवान के सामने यही प्रश्न किया ना कि आमी कह रहे मोरे जारे तपोत्व, मैं कौन हूं, मैं अगर शरीर हूं तो ये विचार तो गलती हो गया, ये विचार गलती हो गया ना, मैं तो शरीर हूं ये आ गया तो शरीर के साथ जोड़ा हुआ सारे सागे संबंधी सब जोड़ जाएगा, और मरो जाओ जहन्नम में जाओ चूल्हे में जाओ, क्या करे, विचार नहीं समझता कोई, विचार नहीं समझने के तैयार नहीं है कोई ना, ना क्या करे सब समझ के माथा पीछी है, ये सारे जो संबंध है समझना है। त्रयोदश अध्याय में भगवान और खुलासा करना चाहता है, ऐसे तो तत्व तो बता दिया, भक्तो भक्ति भगवान का बहुत चर्चा हुआ, लेकिन अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च वेदितुम् एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, पहले प्रकृतिं पुरुषं चैव, ये जो प्रकृति और पुरुष जो है, और क्षेत्रम, ये क्षेत्रों क्या है, क्षेत्रों को कौन है, और एतद् वेदितुम् इच्छामि, ये सब जानना चाहता हूँ, ज्ञानम ज्ञेयं च, कौन ज्ञान क्या है, क्यों क्या है, जनक चय क्या है। एक दफे रूपनगर में रोपड़ में भरतराज जी मेरे को प्रश्न किया, बहुत दिन पहले 12-15 साल पहले हो सकता है, याद नहीं है, महाराज इन्होंने प्रश्न किया ये जो ज्ञान ज्ञेयो हैं ये क्या है, इसका पार्थक्य क्या है, फॉलो, इसका बारे में मैंने थोड़ा सा इंगित, क्योंकि उस समय में कथा करने का माहौल नहीं था, क्या करें, अब ठाकुर जी की इच्छा है आगे चल के क्या करें। सो प्रकृति पुरुषं चैव, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रों को क्षेत्रों क्या चीज है, क्षेत्रों को क्या है, भरद्राज जी ने प्रश्न किया प्रोमेयो क्या है महाराज, मतलब प्रोमेयो मैंने प्रोमेयो मीन टू बी प्रूव्ड, वो शिक्षित आदमी है समझ गया, मतलब प्रोमेयो क्या है महाराज, हमारे प्रोमेयो मीन टू जो प्रमाण करना है, प्रोमेयो अल्टीमेटली जो प्रमाण करना है वो प्रोमेयो है,
एंड द प्रोसीड्योर जो व्यवस्था है उसके द्वारा मैं प्रमाण वो प्रमाण है प्रमाण करना चाहता हूँ और प्रमेयो है अल्टीमेटली सारे प्रमाण के द्वारा जिसको स्थापित करना चाहता हूँ प्रमेयो है। तो अर्जुन केशव को प्रश्न कर रहा है ये प्रकृति पुरुषम च एवा ये क्या है क्षेत्र क्या है क्षेत्र को एव च क्षेत्र को कौन है और ज्ञानम ज्ञान च ज्ञान ज्ञो ये सब जो अलग अलग जो टर्म है टर्मिनोलॉजी ये जो टर्मिनोलॉजी है अलग अलग का ये मेरा कंफ्यूजन हो रहा है क्या है इसका बारे में थोड़ा खुलासा करे कृपा करके। भगवान ने बोला अरे अच्छा प्रश्न किया चलो कोई बात नहीं सो प्रश्न क्या है इसको ध्यान में रखना चाहिए प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञं च केशव ये सब भी मैं जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन ये तो सीधा सवाल है फिर भी कॉम्प्लिकेसी है इतना सीधा चीज है फिर भी आदमी समझ नहीं पाता यही माया का चक्कर है। भगवान वाच अरे अर्जुन ईदम शरीरम कंतियो क्षेत्रम इति अभिधेयत अरे ये क्षेत्र है हाँ इसी को क्षेत्र बोला जाता है अरे ये तो शरीर है बोला हाँ ये शरीर को ही क्षेत्र बोला क्यों 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 इसको क्षेत्र क्यों बोले महाराज ये तो खेत नहीं है हाँ उसका चर्चा हो पाएगा आगे चल के पहले तो ये सुन लो भगवान क्या बोल रहा है उसका व्याख्या तो बनेगा। भगवान कह रहे हैं ईदम शरीरम कुंतियो क्षेत्रम इति अभिधेयत अर्जुन ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बोला जाए अच्छा ठीक है उसको उत्तर दे देंगे चुप चुप हो जा भी और ये तत् जो व्यक्ति और ये जो शरीर है ये क्षेत्र है ये सो ये भले भांति जो जानता है ये नॉलेज रखने वाले ये शरीर है ये क्षेत्र है एतद् जो व्यक्ति त्वं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः आई बात समझ में भगवान कह रहे हैं कि इदम शरीरम कुंतियो क्षेत्रम इति अभिधीयते और एतद् जो व्यक्ति त्वं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः बढ़िया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भगवान तो कह दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये शरीर कैसे क्षेत्र बन गया हमारा ये क्या फील्ड है क्या ये क्या खेत है बोले हाँ खेती तो है कैसा खेत है कैसा खेत है ईदम शरीरम कुंतियो क्षेत्रज्ञम् इति विधि भगवान ने बता दिया और इस बारे में जिसका जानकारी है इसको क्षेत्र को बोला जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष क्षेत्रों क्षेत्रज्ञों ज्ञान ज्ञों ये सारे जो तमाम चीजें हैं इसका रहस्य है इसका अंदर में भरपूर रहस्य है ये इसका परम रहस्य स्वरूप भक्ति तत्व पहले तुमको अर्जुन भगवान कह रहे हैं अर्जुन पहले तुमको ये समझाने के लिए बहुत सारे भक्ति तत्व परम रहस्य बता दिया बद्ध जीव का कर्म सकल व्याख्या किया है निरुपाधिक भक्ति क्या है इसका स्वरूप क्या है सारे हमने व्याख्या करने का प्रयत्न किया है याद है ना हाँ इसमें क्या होता है इसमें कर्म ज्ञान भक्ति रूप त्रिविध अविधि विचार समाप्त हो गया हमने समाप्त कर दिया तीनों रास्ता संप्रति विज्ञान विचार इसका फीलिंग डायरेक्ट फीलिंग संप्रति विज्ञान विचार के द्वारा ज्ञान वैराग्यों का विशास विशेष अनुभव में लाना है। भक्ति उठा कह रहे हैं भगवान मानो कि भगवान कह रहे हैं संप्रति एट प्रेजेंट विज्ञान विचार के द्वारा ज्ञान और वैराग्यों का इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं जिसका श्रवण करने के बाद निरुपाधिक भक्ति तत्व में तुम्हारा और ज्यादा लगन लग जाए मैं ये कोशिश में हूं।
भक्तों तो कह रहे हैं मानो कि कृष्ण का कहना है, याद है ना जब ब्रह्मा को मैंने चतुश्लोकी भागवत बताया, याद है ना भगवान का कहना है मैं चतुश्लोकी भागवत बताया था, इसमें भरपूर रहस्य भरपूर था, संबंध अविद्या प्रयोजन तत्व का भरपूर रहस्य था। आई बात समझ में? ज्ञानम ज्ञानम में परमम गुज्यम जद विज्ञान समन्वितम सौ रहस्यम तदंगज ज्ञान गुदित मैया, ये सब याद है ना। सो ज्ञान विज्ञान रहस्य मतलब प्रयोजन, ये जो ज्ञान है ये अनुभव के अलावा ऐसे जानना ज्ञान है। विज्ञान कब होता है? जब अनुभव में उतारता है विज्ञान। और रहस्य क्या है? ये जिसके द्वारा जो मैं कर रहा हूं इसके बाद मिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द मिस्ट्री, व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, हमारे जिंदगी में क्या प्रयोजन तत्व प्रेम, और जो अविद्य साधन तत्व तदंगंच, आई बात समझ में? ये बात जो चर्चा है अर्जुन के लिए भी आएगा काम में। ये जो बोल रहा है भगवान ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंगंच अविद्य तत्व साधन भक्ति का जो जो विषय है ये तदंगंच अंग, ये चारों विषय में है। ये चारों विषय में अगर खुलासा नहीं हुआ, चर्चा सही ढंग से नहीं हो पाया, तो ये जो विषय है चारों विषय में ये किसी भी हालत से जो अप्राकृत रहस्य है ये खुलेगा नहीं, ये खुलेगा नहीं मेरा सामने, अधूरा रह जाएगा। विशुद्ध भक्ति उदित होने का बाद, विशुद्ध भक्ति उदित होने का बाद उपदेश पूर्वक ये रहस्य उपयोगी बुद्धि है। ये जो भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारा अंदर में जो यो तुमको जो विज्ञान उपदेश करने का बाद ये रहस्य को समझने के लिए जो इंटेलेक्ट चाहिए बुद्धि चाहिए ये मैं दे रहा हूं। ऐसा करके भक्तिमान ठाकुर जी ने व्याख्या किया। कहने का मतलब है पहले जो चर्चा किया था, पहले सठक एक से लेकर छह से लेकर बारह तक, बारह से लेकर अठारह तक, ये तीनों में बहुत सुंदर चर्चा है। धीरे धीरे पहला जो चर्चा हुआ था अर्जुन ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म का बारे में मैंने विचार उठाया था, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुरुकर्म विभाग स तस्य कर्तारम ओपी विद्धि माम अकर्तारम अव्याय में सब बताया था। तुम्हारा जो विचार में बदल आया मैंने समझाया ये शरीर क्या है, जन्म क्या है, उसके बाद क्या करने चाहिए और करने का बाद ये कर्मफल के बारे में क्या करोगे, सारे ये सब चर्म निष्काम कर्मजों के बारे में बताया था। मध्य बीच का जो सठक है छह अध्याय है, इसमें परमात्मा का उपासना का बारे में भक्ति भक्तों भगवान का बहुत सारे चर्चा हमने दिखाया, अनन्य भक्ति के बारे में विचार दिखाया। जो अनंत भक्ति के द्वारा ही भक्त्या अहम एकया लभ्या एकया लभो, हम एकमात्र अनंत भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता, और दूसरों के रास्ता नहीं। बाकी बीच का सारे विचार सब तो रख दिया, इतना सुंदर ग्यारह स्कंद में बारह स्कंद सारे खोल कर रख दिया। भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन ये शरीर को मैंने क्यों क्षेत्र बोला मालूम है? बोले क्यों क्यों बोला? इदम शरीरम कुंतियो क्षेत्र क्षेत्रोगम इति अविधियो, तो क्यों बोला पता है? अरे किस लिए बोला? बोले इसलिए बोला ये शरीर देखने में मेरा शरीर है,
रक्त मांस का बना हुआ है, बट इट इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री मोड ऑफ नेचर। सतरज तीन गुणों के द्वारा नच रहा है मेरा शरीर। जितना सारे भला बुरा कर्म हो रहा है ये बीज रूप में रह जाता है, द्वारा जन्म होता है, इसमें बोया जाता है, अपना कर्म फल को भोगे। आई बात समझ में? जो कर्म का फल है पूर्व जन्म में, इसको भोगने के लिए अगर शरीर नहीं है तो कैसे क्या हो। ये कर्म फल को भोगने के लिए स्थूल शरीर है, ये सब दिया जाता है। इट इज वन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और इसको क्षेत्र इसलिए बोला जाता है, ये खेत बराबर है, जैसे बोगे ऐसे उठाओगे फसल। अच्छा करोगे तो अच्छा उठाओगे, बुरा करोगे तो बुरा उठाओगे। ये खेती जैसा है, देखने में एक खेत जैसा है, इसमें भला बुरा बो दिया बस उसका रिजल्ट निकल रहा और भुगते रहते, ऐसे ही है। ये शरीर जो है मोटा शरीर, ये जो मोटा शरीर है स्थूल शरीर, और ये शरीर का ऊपर पूरा लगन लगा के बैठा हुआ है, पूरा एकदम लगन लगा के बैठा हुआ है अपना। बोले हम मैं शरीर हूं, मेरा कितना तकलीफ हो रहा है, मैं देवता हूं, मैं दानव हूं, मैं मानव हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, बस इसी विचार में बंधे हुए हैं। अतत्व को जिसका तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, हैं? ये तो मरेगा और क्या। अतत्वज्ञ व्यक्ति बोले हाँ महाराज ये खेती का बराबर है। इसीलिए तो बोला ना, जो जो गुरु कृष्ण प्रसाद जी भक्ति लता बीज मिला उसको, इसको देखभारी करो, किसान उसको पानी मारो, हवा मारो, हवा व्यवस्था करो, सनलाइट चाहिए सूरज का, नहीं तो कैसे क्या करे, वो सूख जाएगा ना, बिना पानी बिना हवा मर जाएगा बीज। और क्या जो हो रहा है, पूरा दुनिया का हालत यही है ना, लफड़ा हो गया पूरा दुनिया तो यही चल रहा है ना, सब मर रहा है। भक्ति का नाम अरे इतना बातें बताया भक्ति मनोहर ठाकुर प्रभुपाद गुरु वैष्णव ने, कोई कानों में नहीं पड़ा, कानों में नहीं किया। कितना सावधान किया महाराज, उधर मत जाओ मत जाओ ऐसा मत, अरे जोश में आकर बड़ा सेवा किया। बाद में जब लात लगा पुलिस केस हुआ, अरे महाराज आपने ठीक बताया, हम पिछले 20 साल से कह रहे हैं, अरे उधर मत जा, अरे महाराज भक्ति करने जा रहा है, भक्ति है वो है, इतना बुद्धू है, बड़े बड़े महाराज लोग वो बोल रहे हैं, अरे महाराज बदमाशी तो करता है लेकिन ये तो भक्ति भी कर रहा है, सेवा भी तो कर रहा है। अरे सेवा का कोई ध्यान ही नहीं है, सेवा क्या चीज है लोग खुद का ही पता नहीं। अरे बदमाशी तो कर रहा है महाराज, क्या करे तो सेवा भी कर रहा है, ये तो भूखा का माफिक, फुलिश क्वेश्चन, ये हो ही नहीं सकता, ये नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है सेवा का नाम पे, सब लूटने के लिए मूरा कहीं का, चलो मरो हम क्या करें, चूल्हे में जाए क्या करें। ये जो बॉडी है शरीर है, ये इसमें हम देवता हैं, हम मानव है, देवता का सूक्ष्म शरीर है, ये भी कोई काम का नहीं है। देवता लोग का जो सूक्ष्म शरीर है, हम मानव हूं, मैं दैत्य हूं, दानव हूं, ये चल रहा है। इस बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं, भागवत का चर्चा मैंने किया, अंग्रेजी में ज्यादा हुआ था, उसमें देखना खोल के ये कैसे जर भरत जी महाराज को बिना सोचे समझे रुहुगन कितना बोलना चाहता है, ठीक से हमारा पालकी को ले चलो, प्लैंक्विंग को हट। जर भरत जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, मानने के लिए तैयार हो गया, मेरा बात जो है इंस्ट्रक्शन जो है मेरा आदेश तुम्हारा कानों में नहीं जा रहा है, मैंने उतार कर तुमको एकदम हैं दबा दे देंगे, दबा दे देंगे हैं,
इतना सारे जो तीन आदमी है रहे, उसका साथ तुम डिसबैलेंस हो रहा है क्या? तुम्हारा शरीर रोगा है क्या? तुम बीमार पड़ गया क्या? इतना मोटा शरीर है, हैं? खाते पी तो नहीं हो क्या? जर भरत जी महाराज ने देखा इतना मूरख, इतना मूरख, इतना मूरख, इसको अगर अगर हम जवान ना खुले तो जहां की तहां रह जाएगा, जहां की तहां रह जाएगा। तो जर भरत जी महाराज जी ने आस्ते आस्ते अपना मुंह को खोला है, महाराज आप किसको शासन करना चाहते हो, किसको ट्रीटमेंट देना चाहते हो, किसमें पनिशमेंट करोगे? मैं तो शरीर नहीं हूं, है? क्या बात है, अकिन मानो मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर का तकलीफ का साथ जोड़ा हुआ नहीं हूं। अरे क्या बकवास कर रहे है? हाँ हाँ मैं सच्चा कह रहा हूं, ये शरीर का साथ मेरा, आपने कह रहे हो कि आप बहुत स्लिम फिगर हो, ये जो मोटा फिगर है, स्लिम फिगर है, ताकत वाले हैं, ये तो जड़ शरीर का उपाधि है, मैं तो शरीर नहीं हूं, तू क्या है? जब जबान खुला तो बाद में छलांग लगाकर पलकी से उतरा है, महाराज आप कौन हो बताओ, हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बताओ आप कौन हो, क्या या इतना गुप्त रूप में क्या विचरण करने वाले आप कौन हो? कोई परमंस हो क्या? चतुष्सन में कोई हो क्या? नवजुगंध में कोई हो? कौन हो आप बताओ जरा, मैं तो मर जाऊं, मैंने अपराध कर डाला, मैंने अपराध कर दिला, आपको ये सब गाली दिया, हाय 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 हाय, आप बताओ आप कौन हो? आप शुक्लो हो क्या? शुक्लो मतलब कपिल जी ये रूप में धारण कर। जर भरत जी महाराज एक एक धीरे धीरे तत्व विज्ञान को सामने पेश कर दिया, सुनने का बाद हैरान हो गया, सुनने का बाद हैरान हो गया, कहे का भजन किया, महाराज हम काहे का भजन किया, मेरा इतना अभिमान है, मैं भजन किया इतना, मैं उपदेश दे, अरे महाराज ये कौन है? मैं ना मेरा अंदर में इतना अभिमान था कि मैं भजन करने वाले, मैं गुरुकुल में जा रहा, मेरा गुरु गृह में, और ये महापुरुष परमंशों को हमने अपना प्लैंक्विन, ये जो पालकी को जो कंधे पे लेने के लिए मजबूर कर दिया, याद है ना नहुस राजा ने क्या किया था, बदमाशी, सब ऐसा होता है। मेरा गुरु जी कहते थे महाराज बाबा जो लंका में जाओ रावण बन जाए, लंका में पहुंचो तो बस रावण हो गया, मैं रावण हूं, समझ में नहीं हमारा, लंका में आए हो हैं? नहुस महाराज को इंद्रो का थोड़ा कमी था उस समय में, थोड़ा प्रॉब्लम था, इंद्रो ने बताया ठीक है चलो कोई उसको ही राजा बना दो, थोड़ा टाइम भी वो संभाले स्वर्ग, वो जाके बोला महाराज स्वर्गों का जो इंद्रो का जो सिंहासन है उसमें मैं बैठ गया, तो इंद्रो का जो पत्नी है वो भी मेरा क्यों नहीं हो? अरे कभी होता है क्या हमारा, समझो नहीं, क्यों नहीं होगा? अरे इंद्रो का आसन में बैठा है तो इसका पत्नी भी मेरा ही है। तो सची देवी ने प्रार्थना किया ऋषि मुनि महाराज क्या करे, तो अत्याचारी आ गया, कैसे हम अपने को बचाए? बोले कुछ नहीं है सची देवी, आप काम करो, आप बोलो हाँ आपको भजन करेंगे, आपके साथ मिलन करेंगे, सिर्फ इतना ही करना है, और आप क्या करोगे, मणि ऋषि के द्वारा बाहित वो जो पालकी है उसी में बैठ के आओ। ये क्या बात है, मना यही बात है, ऋषि मणि जो है उसका पालकी में बैठ जाओ और उसका बात आओ मैं, क्योंकि बृहस्पति जी का पता था कि ये बदमाश है, ये तो बदमाश है, ये वो यही इसका सत्यानाश का कारण बन जाएगा। ऋषि मुनियों का कंधे पे चढ़कर इतना स्पर्धा है बदमाश ऋषि मुनि का पालकी में बैठ गया, है चलो जल्दी है चलो जल्दी, अरे क्या है, सर्पो 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 माने जल्दी चलो, क्योंकि सहन नहीं होता है ना, अंदर में काम है, सची देवी के साथ मिलन करेगी करेगा। तो ऋषि मुनियों ने बड़ा गुस्सा में आके बोला बदमाश काहे का, इसका चरण लटक रहा है,
उसका जो पैर है ना वो लटक रहा है और ऋषि मुनि का माथे पे लग रहा, और जब बोला है सर्पो सर्पो दत्त सर्पो मतलब सांप हो जा, सांप हो जा, बन जा सांप, हो गया। जब भी सांप दे दिया तो सांप हो गया, सांप दे दिया तो सांप हो गया, पाइथन होके गिर पड़ा। महाराज बचाओ दो तर बचाओ जा मर। ऐसा ही है, जो लंका में जाए वो रावण बन जाए। अब जड़ भरत जी का कृपा से रुहुगन का अकल आया, अकल नहीं था अकल आया। महाराज ये तो आप तो महापुरुष हो कुछ, क्योंकि जो तत्वज्ञान उपदेश किया, अरे महाराज हम अपना गुरु से भी नहीं मिला, कौन हो ये बताओ हैं? आप ये बताओ, पैर में गिरा, पैर में गिरा, जब ही तत्वज्ञान का और खुलासा हुआ। अगर चरण में नहीं गिरता, धूलिकना अगर नहीं लेता, ये तो एकमात्र रास्ता है ना, रास्ता तो एक ही है। गुरु वैष्णव का नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, वैष्णवे चरण रेणु मस्तके भूषण बेनु आर नहीं भूषण रोहंत। फॉलो क्या बताया मालूम है, बंगला में बताया नरोत्तम ठाकुर ने लिखा, वैष्णवे चरण रेणु मस्तके भूषण बेनु आर नहीं भूषण रोहंत। वैष्णव का चरण रेणु मस्तक में लगा लो, इससे बढ़कर भूषण आभूषण हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा आभूषण है वैष्णव का चरण रेणु, पक्का बात है। अगर पैर में नहीं गिरता, चरण धूलि नहीं लेता, तो क्या क्या होता बताओ, कृपा थोड़ी मिलता। इतना उपदेश सुना तो उसका बाद उसको समझ में आया, महाराज ये मोटा शरीर कुछ भी नहीं है, ये पांच भौतिक शरीर है, पांच भौतिक कुछ नहीं रखा इसमें, दुर्गंध दूषित है, मल मूत्र का भांड है, इट इज वन कैन ऑफ सैक ऑफ यूरिन एंड स्टूल ब्लड एंड बैड ब्लड, यही तो काम है ना। इस शरीर पर अपनापन महसूस करता हूं मैं, इस शरीर को ही तो अपना बन के बैठा हुआ हूं, और क्या, और कुछ नहीं चाहता हूं। भगवान का भजन, भक्तों का क्या सच है, अरे झूठे रास्ते में चल रहा, झूठा। तो सही बताया, ये जो शरीर का ऊपर अपनापन, ये मैं देवता हूं, मैं मानव हूं, राक्षस हूं, ये जो है ये पांच भौतिक जो शरीर है इसमें क्या रखा है। ये तो शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि तुम्हारा अपना कर्म फल को भोग करो, कर तो चलो, अंतिम में अगर कुछ समझ में आया गुरु वैष्णव के संघ के द्वारा कथा सुनने में, तब ये शरीर तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। ये शरीर सार्थक हो जाए ना, दो दिन का शरीर है, दो पल का शरीर है, कब चले जाए वो ठिकाना है। तो ये जो सुख दुख है, ये सुख दुख को बीज माना गया, ये जड़ शरीर के अंदर में सुख दुख का जो फल जो बीज है इसको लगा, बस करते रहो, सुख दुख का फल निकालते रहे आप, भुगते रहो। महाराज इस बारे में जिसका क्लियर कंसेप्शन है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, हर हालत में मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का साथ मेरा कोई तालुकात है नहीं, ये प्रकृति का साथ मेरा कोई तालुकात है नहीं, मैं चिन्मय वस्तु, मैं चिन्मय वस्तु हूं, चिदात्मा हूं। जब तक ये समझ में ना आए तब तक ये चक्का काटते रहो, जब तक ये समझ में नहीं आए चक्का काटते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे स्वयनम, चलते रहे, हम भी चले तुम भी चलो, पूरा दुनिया चलते चलो। कोई अगर ऐसा समझदार आदमी मिले जिसका तत्व ज्ञान हुआ, वो समझ में आया शरीर कुछ भी नहीं है, ये तत्व ज्ञान हुआ ये शरीर क्या चीज है, पांच भूत का, ये मेरा जन्म मनम का माला ऐसे ही चल रहा है,
बंधन और मैं जीवात्मा हूं इसका साथ कोई तालुका है नहीं, फिर भी मैं फंस गया हूं ये जड़ शरीर का अंदर। इस बारे में जिसका क्लियर कंसेप्शन है ये क्षेत्रज्ञ है, जो जानता है ये जो शरीर इसको क्षेत्रो बोला जाए, इसका बारे में जिसका भरपूर नॉलेज है, जो जानकारी है, और क्या है, इसका ही नाम क्षेत्रज्ञ है। इसका माने भी जिसका जानकारी है कोई क्षेत्रज्ञ है, और क्या, और क्या है अर्जुन, ये सब खुलासा व्याख्या कर दिया भगवान, साफा कर दिया क्या है, इदम शरीरम, इदम शरीरम कंतियो क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद जो व्यक्ति त्वम प्राहु क्षेत्रगम इति तद्विदः। यही तो इसका मोटा मोटी व्याख्या हो पाया, और ज्यादा आगे चलना पड़ेगा और गहरा रहस्य में जाना पड़ेगा, आज शायद नहीं हो पाएगा। एक बात मैं कहना चाहूं, इसमें मैंने दो श्लोक उच्चारण कर दिया, पहले अर्जुन का जो प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च वेदितुम इच्छा वेदितुम इच्छामि, इसको श्लोकों में गिनती नहीं किया। इसका बारे में बड़ा भारी चर्चा है, आज ये चर्चा करने का टाइम नहीं है। पहला वाला जो सो प्रश्न है अर्जुन का, इसको श्लोकों में गिनती नहीं किया, इसका कारण क्या है, इसका गहरा रहस्य है, इसका गहरा कोई कोई टीकाकारों ने, बड़ा बड़ा महात्मा लोगों ने कोई ये अर्जुन का ये प्रश्नों को गिनती में नहीं लिया। इसलिए विचार का अनुसार मैंने जो भगवान के उत्तर दिया उसको एक नंबर माना, क्योंकि लिखा नहीं है, एक नंबर लिखा नहीं है पहले वाला, कुछ की जगह एक नंबर को छांट दिया, लेकिन ये प्रश्न जरूरी है, बहुत जरूरी। वो लोगों का कहने का मतलब है अर्जुन का जो पहला पहला प्रश्न है इसका अंदर में ही इसका पूरा एक्सप्रेशन है, अलग से इसका दर को जरूरी है नहीं। सारे अर्जुन ने 11-12 पहले पहले जो इसका अंदर में सारे इसका इंडिकेशन है, इसलिए इसको गिनती में नहीं पकड़ा। लेकिन मैं क्या करूं, इसलिए मैं भगवान उवाचो जो बोला एकदम शरीर ने इसको एक नंबर माना, तो हिसाब का अनुसार मैं 3 नंबर श्लोक आज उच्चारण करके आज ये यहां तक विश्राम देना है कथा का। अब क्या करें, यहां 2 नंबर जो 3 नंबर है जिसको 2 नंबर लिखा हुआ है किताब में, इसका बारे में थोड़ा खुलासा करें। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये बड़ा मजादार है, बड़ा गहरा प्रश्न है, गहरा उत्तर है। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रो क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम तत् जज ज्ञानम मतम मम। कहने का मतलब है हे भारत, हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रों में मान चो ओपी आमक, हमको ही वास्तविक क्षेत्रज्ञ मानो। अरे अभी ने बताया इस बारे में नॉलेज जिसका वो क्षेत्रज्ञ है, अरे हाँ बताया महाराज, तसल्ली रखो, विचार देखो। विचार ये बनता है, हाँ ये तो बताया, जो जो जानता है इसका जानकारी वो क्षेत्रज्ञ है, वो ठीक है। मतलब जीवात्मा जब इस स्टेज में चले, इस स्टेज में उठे, तो उसको भी क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। लेकिन भगवान खुलासा करना चाहता है, वास्तविक रूप में अनंत करोड़ अनंत कटी ब्रह्मांड में अनंत कटी जीवात्मा जो है सबका हृदय में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। पूछो तो सही, जो असली क्षेत्र के कोने में है। इसलिए भगवान ने यह खुलासा किया, क्षेत्रज्ञं चापि मम विद्धि, हमको ही वास्तविक क्षेत्रज्ञ मानो सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत वंशियो, एनो दोस्त मेरा अर्जुन, क्षेत्रज्ञं चापि मम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में जहां जहां जितना अनंत जीवात्मा है साइमल्टेनियसली
simultaneously, at a time, at the same time, Bhagavan having all knowledge. Ek hi saath is Brahmanda mein, is, you know, kisi jagah kuch cheez ho raha hai, aur dusra kis Brahmanda mein kuch ho raha hai, Bhagavan, not that ye pehle jankari liya, baad mein jankari liya, dusra aisa nahi hai. Aisa nahi hai. At a time, simultaneously. एक ही साथ भगवान ज्ञाता है ज्ञों है और ज्ञान जिसको वही भी भगवान ही है. समझना बहुत मुश्किल है. बहुत ध्यान से यू नो इसका अंदर में डुबकी लगाना है. क्षेत्रगुण चापी मम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत भारत ए भारत वंशीय अर्जुन अनंत ब्रह्मांड में जितना जहां सारे शरीर है कुछ भी है इसका अंदर में मैं परमात्मा का रूप में बैठा हुआ हूं और नजरदारी कर रहा हूं. याद है ना ब्रिकासुर का बारे में चर्चा किया था उस टाइम एक श्लोक बताया दसम स्कंद से. याद है ना वहां बताया था जे ये शरीर का अंदर में मैं बैठा हुआ हूं बैठा हुआ हूं परमात्मा का रूप में और नजरदारी का त्वंग है सारे ये चीज को देख रहा हूं उपदृष्टा. भगवान उपदृष्टा उपदृष्टा माने नजरदारी कर रहा है. उपदृष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवेत फॉलो. उपदृष्टा माने नजरदारी कर रहा है. हर शरीर में मैं परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूं तो क्या मैं क्षेत्रों में मतलब जीवात्मा का शरीर में कभी काम आता है कभी क्रोध आता है मजा लेने का सारे कुछ होता है तो क्या इसका बारे में मेरा जानकारी है नहीं. मैं जानता हूं ना क्या अच्छा करे बूढ़ा करे सारे मेरे को जानकारी है. इतना सारे तत्व ज्ञान जो है मेरे को ही तो जानकारी में है. क्षेत्र विचार और क्षेत्र के विचार में तीन तत्व है इसमें ईश्वर जीव और जड़. ये बेसिक तत्व है ना. ईश्वर है जीव है जड़ है. इसी मुताबिक शरीर का अंदर में ये शरीर का में जीवात्मा का रूप में एक एक किस्म का क्षेत्रज्ञ है जो अपने को एंजॉयर मैं भोक्ता बन के बैठ गया और मैं परमात्मा के रूप में हर कोई के अंदर में बैठा हूं. हम सारे नजरदारी कर रहा हूं मैं मेरे को जानकारी में सब कुछ है. प्रधान क्षेत्रज्ञ मैं आई एम द प्रिंसिपल क्षेत्रज्ञ इनसाइड जीवा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा ईश्वर. मेरे को ईश्वर मानो अंदर में बैठा हुआ. मेरा इतना ऐश्वर्य शक्ति है एक्सीलेंट इनकॉन्सिबल ये परमात्मा का रूप में हर घट घट में अनंत ब्रह्मांड जहां जितना जीव है सबका अंदर में बैठा हुआ. काल इस विषय में चर्चा करते हुए मैं प्रमाण करेंगे मायावादी का जो एक जीव बाद मायावादी का जो एक जीव बाद काल खंडन करेंगे. इसका बाद शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए मायावादी का जो विचार है एक जीव बात कभी भी सच्चा नहीं है झूठा सरासर गलत है. सरासर गलत है. ये सोचता है कुछ नहीं है एक जीवात एक है एक जीव बात. लेकिन ये भागवत में पुराण में हर जगह उसको टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया गया है. बेकार का सिद्धांत है. ये सिद्धांत नहीं है. और क्षेत्रों क्षेत्रों को तत्वों का विचार करके पूरा एकदम समझ ले तत्व क्या है और अनुभव में आ गया तो इसका नाम है विज्ञान. अगर अनुभव में आ गया तो इसका नाम है विज्ञान. तो भगवान का कहना है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभारत क्षेत्रो क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम तत् जज ज्ञानम मतम मम.
चलो इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा आज हो पाया और कल इसका बारे में और चर्चा हो पाएगा। खुलासा ध्यान देना चाहिए, ये जड़ जगत क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, गुरु वैष्णव कौन है, जिसको शत्रु मान के बैठा हुआ हूं, कौन है गुरु वैष्णव, माया का प्रभाव देखो, परम सत्य वस्तु को सब ठुकरा रहा है, परम सत्य वस्तु इसको मान नहीं रहा है, नहीं इसको मानेंगे नहीं, तुम्हारा मर्जी है, मानो ना मानो वो तुम्हारा मर्जी है। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नॉट सच ए चीप थिंग, परम सत्य वस्तु ऐसा कोई चीप सस्ता वस्तु नहीं है जिसको पॉलिटिक्स करके चीको चिल्लो और यू नो पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा करो, कुछ भी करो हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन परम सत्व वस्तु का गला घोट के जो मारने का कोशिश में हो, परम सत्व वस्तु को जो गला घोट के मारने के लिए तैयार हो गए हो, इसका बारे में मैं कह रहा हूं, ये कभी भी संभव नहीं है। परम सत्व वस्तु इतना चिप नहीं है जिसको एनो तुम्हारा सोसाइटी फॉर्म करो, पब्लिक ओपिनियन लो, चीको चिल्लो, पॉलिटिक्स करो और तुम्हारा जितना मनी पावर है लाओ, मैन पावर है लाओ, हमारा विरुद्ध में जाओ, हमारा एक बाल भी उखाड़ नहीं सकोगे, एक बाल भी मेरा उखाड़ नहीं सकोगे, ध्यान देना इस बात पर, तुम खत्म हो जाओगे, सकोगे नहीं। परम सत्यवते ऐसा है, कल इस विषय में हम चर्चा करेंगे, आज समय नहीं होगा, जो भी है उस श्लोक को चर्चा करें दोहराने के बाद खत्म करेंगे आज। अर्थोपशमम साक्षात भक्ति लोकोसजानतो विद्वांस चक्री सम्वयमानाय, मैंने अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अध्यक्ष ये लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सत्वत संहिताम जस्यांगयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धति पुंसाम शोको मोह भयापह। अनर्थोपशमम साक्षाद भक्ति योगम अदक्षजे लोकस्य अजानत विद्वांस चक्रे सत्वत संहिताम जस्यांगयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। वांछा कल्प दुर्वश्य के बासिंद पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमः।